प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग ताप मापी एवं कैलोरी मिति का सिद्धांत यही चैप्टर पर। लेकिन बच्चों, इस चैप्टर से अब आपको उष्मा के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। और हमने शुरुआत में चर्चा किया था कि उष्मा एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके न्यूमेरिकल्स टीचर को परेशान करते हैं। आप तो बहुत प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो फिलहाल प्रयास मेरा यही है कि अगर बेसिक मजबूत रहेगा, शुरुआत से मजबूती बनी रहेगी, तो आगे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभय कुमार मौर्य सूत्र समझाते हैं हम आपको, यह ध्यान दीजिए। पहले ताप मापनी का, उसके बाद प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे कि हम लोग जो है सवाल लगाएंगे कि इसके उष्मा कैलोरी मिति सिद्धांत की, ठीक है पगड़ी। तो अब यहां ध्यान से देखो जरा, पहले आपको ताप मापनी के सूत्र बता दें। सबसे पहले तो आप यही जानिए, ताप मापनी से रिलेटेड सूत्र में सारे ताप मापियों का संबंध वाला फार्मूला। तो एक आपको ट्रिक बताए थे और बता भी दे रहे फिर से कि सेल्सियस को फारेनहाइट में या केल्विन में या रेउमर में किसी में बदलना हो तो कोई सूत्र नहीं याद करना है। बड़े आराम से ऐसा कुछ लॉजिक बता दे रहे हैं कि अच्छे से सेटलमेंट हो जाएगा। जैसे देखो, अनुराग, सेल्सियस को केल्विन में या सेल्सियस को फारेनहाइट में किसे बदलना हो तो जिसको बदलना हो पहले उसका प्रतीक चिन्ह लिखो। जैसे सेल्सियस के लिए सी माइनस, इसका प्रारंभिक बिंदु ताप लिखा करो। तो सेल्सियस में प्रारंभिक बिंदु ताप क्या है? जीरो। और बटे इसके खानों की संख्या, ठीक। जिसमें बदलना हो उसके साथ भी यही करो। जैसे इसको केल्विन में बदलना है तो केल्विन का प्रारंभिक प्रतीक चिन्ह के, प्रारंभिक बिंदु ताप 273 बटे खानों की संख्या, यही तो सूत्र बताए हैं। और उनेसा जी एक सूत्र और बताए हैं, अगर गौर से याद करिए, फारेनहाइट वाला रहे तो उसका प्रतीक चिन्ह और प्रारंभिक बिंदु बटे खानों की संख्या। रिवर के लिए प्रारंभिक बिंदु ताप क्या होता है? जीरो। खानों की संख्या, इसी सूत्र द्वारा सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फारेनहाइट या किसी अन्य सूत्रों में बदला जा सकता है। कोई डाउट किसी को? समझ आ रहा है? बोलो हाँ सर। अब उसके बाद बेटा आप लोगों को प्रसार गुणांक का सूत्र बताए हैं। किसका सूत्र बताए? तो याद करो भयानक तूफानी रात जब हम लोगों ने प्रसार गुणांक का सूत्र पढ़ा था, ठोस का प्रसार अलग पढ़ा था, द्रव का प्रसार अलग पढ़ा था, गैस का अलग। ठोस प्रसार से ही सवालें आती है। रेखीय प्रसार गुणांक याद करो, ऐसा अल्फा बराबर ऊपर वृद्धि या परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि। ऐसे ही बच्चों क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एकदम सेम इसी तरह से था क्या? क्षेत्रफल में वृद्धि या परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप वृद्धि। मजा आया? ऐसे ही आयतन प्रसार गुणांक क्या था बच्चों? गमवा बराबर आयतन परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन गुणे। एक और बात याद करिए देवेश, जो भूल गए हैं आप, अल्फा बीटा गामा का भी संबंध था। बीटा बराबर क्या बताए थे? दो अल्फा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का डबल होता है और गामा बराबर 3 अल्फा। ऐसा लग क्या लग कि हम नहीं बताए इसको, कह दो बताए। और ध्यान दीजिए, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम भी पढ़ाए हैं। याद नहीं है आपको बायल का नियम? देखो इधर P1V1 बराबर, जोर से बोलो, ये कब लगेगा? जब ताप स्थिर दिया रहे सवाल में, ये ताप की चर्चा ना किया रहे, ट्रिक बता रहा हूं कब लगाएंगे। और दूसरा है B1/T1 बराबर B2/T2, ये कब लगाएंगे? जब जो है दाब स्थिर हो। और P1/T1, P2/T2 ये कब लगाएंगे? आयतन स्थिर हो। तो ये तीन सूत्र जो है आपको याद रख ले हैं। लेकिन कहो तो मैं एक ट्रिक बता दूं, तीनों ना याद करो, केवल एक याद करो, तीनों ना याद करो केवल एक। और P1V1/T1 बराबर P2V2/T2 एक याद कर लो, केवल एक याद कर लो, P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। अगर आप इस पर सवाल यहां समझे रहोगे ना तो आपको केमिस्ट्री सवाल मस्त समझ में आएगी। केमिस्ट्री में भी इस पर सवाल बहुत धुआंधार रहती है। तो याद है दो,
T1 बराबर P2 बटा T2 याद किए रहो। अब अगर सवाल में ताप की चर्चा ना हो, किसकी चर्चा ना हो, दोनों ताप मिटा दे। अब अगर आयतन चर्चा ना हो तो दोनों आयतन मिटा दे, दाब के चर्चा ना हो तो भी मिटा देगा। सूत्र इसी एक से काम चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं सूत्रों पर हम आपसे सवाल लगवाने चल रहे हैं और देखते हैं एक एक स्टेप चलेगा। पहले इस पर सवाल लगेगी, फिर इस पर लगेगी, फिर इस पर ऐसे चलते रहेंगे और उसके बाद गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा और कैलोरी विधि के सिद्धांत पर सवाल लगेगी। उन पर सवाल एक कठिन है, प्रयास करेंगे कि जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि हमको बेटा भी ऊष्मा और तरंगति फरवरी में कोर्स खत्म करना है, पहले ये सोच लिया है। ठीक है, मार्च से 12th का पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रश्न पढ़ता हूं, आप सभी बच्चे हमारा ध्यान देंगे। किस तापमान पर, ऐ सुनो, किस तापमान पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस मान का दुगना होगा? केल्विन ताप का मान सेल्सियस मान का दुगना होगा। इधर देखो, इधर केल्विन ताप का मान सेल्सियस का, अगर सेल्सियस एक्स हो तो केल्विन वाला क्या कह रहा है, 2x। यही कह रहा है, हमसे पूछो, यही कह रहा है। सेल्सियस वाल का केल्विन क्या है, डबल है। सी अगर एक्स, केल्विन क्या है, yes। अब सेल्सियस और केल्विन का सूत्र देखो क्या होता है, सी माइनस 0 बटा 100 बराबर के माइनस 273 बटा 100। 100 सी में से 0 गए, के माइनस 273 बजाय सी जगह का लिख दी, के जगह कलो दिक्कत हे देखा एक है, वो कह दी 273 इधर आएंगे और एक्स इधर चला गया। देखो ये भाई को दो एक्स में एक्स गए, एक्स बराबर और ये सेल्सियस हमारे डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 डिग्री सेल्सियस का बाद केल्विन पैमाने पर दुगला हो जाएगा। समझ गया पक्का? चलो दूसरा देखो, आवाज आई यार, दूसरा बहुत बोलती हो। सवाल नंबर 2, स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पर क्या होता है, केल्विन और फारेनहाइट में क्या होगा? आप सभी बच्चे को बताना चाहेंगे कि जो आदमी होता है वो जो है अधिकतम 110 डिग्री फारेनहाइट का टेम्परेचर सह सकता है और 95 डिग्री फारेनहाइट से कम ताप को तब ताप तक सह सकता है, 95 डिग्री फारेनहाइट से कम ताप पर जिंदा नहीं रह सकता और 110 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर ताप पर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए जो बुखार नापने वाला डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उस पर प्रारंभिक बिंदु ताप 95 होता है और शीर्ष बिंदु ताप कितना होता है, 110, लेकिन क्या डिग्री फारेनहाइट। तो प्रारंभिक बिंदु ताप 95 डिग्री फारेनहाइट और शेष बिंदु ताप 110 डिग्री फारेनहाइट। एक नया क्वेश्चन बता दिए ना कि आपसे पूछे डॉक्टरी थर्मामीटर के प्रारंभिक और अंतिम ताप बिंदु क्या होते हैं, तो 95 डिग्री फारेनहाइट और 110 डिग्री फारेनहाइट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मनई जो है 95 डिग्री फारेनहाइट से कम ताप पर जिंदा नहीं रह सकते और 110 डिग्री फारेनहाइट से, इसलिए जो है ताप परास 95 से 110 रखी जाती है डॉक्टरी थर्मामीटर में, बाय द वे। और दूसरी बात कि अगर कोई आदमी स्वस्थ है तो उसके शरीर का टेम्परेचर, स्वस्थ शरीर का ताप, इधर देखिए हम लोग जो होते हैं हमारा शरीर हमेशा गर्म होता है और जानते हो कितना गर्म होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी जब जो है सूर्य का तापमान जमीन पर धूप का तापमान 37 से ज्यादा रहता तभी हमको गर्मी प्रतीत होती है ना। जब 30 तक ताप होता है तो ठंडी लगती रहती है हल्का सा, लेकिन जब देखो 40-45 गर्मियों ताप हो जाता है कहते नहीं बहुत गर्मी है, तो 37 से ज्यादा हो जाता है तो गर्म फीलिंग होती है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है बेटा, इसका बाद केल्विन में बदलना है और फारेनहाइट में, तो बदलते हैं। अभी देखो आपने देखा था, यहाँ देखो जरा, सी बराबर के माइनस 273 तो के बराबर क्या होता है, यही होता है, शॉर्टकट वाला लगा रहे हैं। तो सी की जगह जोड़ दो, 7 × 10 27 × 33 काव केल्विन, ठीक है। फारेनहाइट में देखा, फारेनहाइट देखा, सी माइनस 0 बटा 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा नहीं बजा है 20 पंचे 20 नवाई
तिरछा गुणा कहते हैं नौ बटा पांच सी बराबर एफ माइनस। देखियो एफ बराबर बत्तीस टेबल पकड़ा नौ बटा पांच सी प्लस बत्तीस तब है और आगे देखा नौ बटा पांच सी जगह प्लस शॉर्ट कट कैलकुलेशन कैसी कहा है हमार मन कहा था यार शॉर्ट कट मार दे जब कहो पांच से भाग देख रहा है तो ऊपर वाले के डबल करके एक अंक पे दशमलव लगा दे चाहिए का कहे जैसे अगर कहा है आठ को पांच से भाग दो ऊपर वाले डबल कर दे आठ दूनी सोलह एक अंक पे दशमलव गलत नहीं समझे अगर जो रहा है कौन गिनती का पच्चीस से भाग देख रहा है कैसी पच्चीस ऊपर वाले चार गुना दो अंक पे दशमलव सात चौ भाग हो ट्रिक आता है समझे तब मार दी थी उड़ गया है ट्रिक मार दी थी 120 क्वेश्चन रहता है और दो घंटे में करने वाले 120 मिनट रहते हैं 120 मिनट में 120 क्वेश्चन और आप समझो कि उसे बोलियाना भी है और अपन ब्यौरा भी भरे कह नाम रोल नंबर फलाना ढिमाका और 15-20 मिनट तो स्कूल गेम लगे थे क्लासियम टीचर हुए जानते क्या तो पेपर बांटे में बोले में जाने में तो मतलब एक मिनट भी नहीं रहता है क्वेश्चन करने का और बीएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये और 10-20 सेकंड तो पढ़ाऊ लागे क्वेश्चन वाला चारों ऑप्शन एकदम करीब करीब रहा थे चार में से कल मार दिए उड़ गए कि यह सब रहा देखा शॉर्ट कट बुरा भाग चल रहा था बाकी इधर देखा इधर देखो इतना शॉर्ट कट तो कैसे होता हो ही नहीं सकता संभव है हाँ इधर देखो पांच से भाग देना है ठीक तो दुगुना करो दुगुना 37 दूनी 74 एक अंक में दशमलव लगाए दी 7.4 पक्का रख राजा राजा 7.4 आए कितना पूरा करियो का 9 से 7.4 का पूरा करा 9 चौक 36 6 3 हासिल आए 9 7 3 66 तो 66.6 हो गया और वे 32 जोड़ दे 10.6 पहले लाग दिए छाछठ बत्तीस जोड़ा छाद आठ छत्तीस डिग्री पारे आई आंसर आ गया अब एक आज से याद करे रहा बगैर पाओ मनाई ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन या 98.6 डिग्री पारे आई आपको बताना चाहूंगा बेटा 2007 पीसीएस के पेपर में पीसीएस जाते ना आईएस पीसीएस पीसीएस के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन उस वक्त से रिलेटेड पता नहीं कौन टीचर पेपर बनाया था 5-6 क्वेश्चन पूछा था तो एक क्वेश्चन उसमें यही था कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो चार ऑप्शन दिया था सेल्सियस में केल्विन में फारेनहाइट में दिया था तो फारेनहाइट वाला 18.6 डिग्री फारेनहाइट सही था लोगों को 37 याद था तो उसमें एक ऑप्शन लिखा था 37 डिग्री केल्विन एक में लिखा था 37 डिग्री रिवर एक लिखा था 37 डिग्री फारेनहाइट एक लिखा था 18.6 फारेनहाइट लोग समझ नहीं पाए 37 डिग्री केल्विन बारे पढ़ा रहे क्यों सेल्सियस का वैल्यू था ठीक है ऐसे ही कुकर वाला प्रश्न था कि दाल कुकर में गल जाती है जल्दी क्यों ये सब तमाम तो उसमें से रिलेटेड कई क्वेश्चन थे बात आइए अगला समझ में आ गया बेटा कह दो हाँ सर अगला सवाल किस ताप हेतु सेल्सियस व फारेनहाइट ताप सवाल होते हैं प्यारे बच्चों ये जो हम 2-3 क्वेश्चन बोले हैं आप लोगों ने ध्यान दिया होगा अपने मन से बोले हैं ठीक है तो आपके किताब में तो है लेकिन ये बहुत टेक्निकल कंपटीशन के हैं अब ये आपको याद रहे सेल्सियस में 37 फारेनहाइट में 18.6 केल्विन में 310 याद रहे हमेशा कैलकुलेशन न करे पर चाहिए टिक मार दिया वैसे एक क्वेश्चन बताओ जाता है इंपॉर्टेंट याद रहा है देखो क्वेश्चन क्या है कह रहा है किस तापमान के लिए सेल्सियस और फारेनहाइट ताप समान होगी मतलब वह ताप सेल्सियस पर आए और वह कथमावे फारेनहाइट में ऐसा कौन सा ताप है दुनिया में एक ही ताप ऐसा है -40 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर भाई जो रहा है फारेनहाइट मतलब तो 40 डिग्री फारेनहाइट आए ना समझो का बताया कि -40 एक ऐसा मान है जिसका सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों पर वैल्यू सेम सेम होती है क्वेश्चन यही तो कहा है कि कौन सा ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट सेम सेम होंगे तो -40 डिग्री पर जो मान सेल्सियस का होगा वही मान फारेनहाइट माने -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -40 डिग्री फारेनहाइट कैसे
देखा बताइए, देखा कहा था किस ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट सवाल होंगे, तो मान लेते हैं एक्स ताप पर, सी बराबर एक्स, फारेनहाइट बराबर भी, दोनों ताप सवाल कह रहा है कहीं, याद करो भैया तूफानी रात, ये सूत्र आया था अभी, चाहे वे एका लगाई और चाहे एका लगाई, यही हल करे है कितना आएगा, यही हल करे कितना आया है, ए लगा तो थोड़ा जल्दी लग जाए ना, साठ का था क्यों, हाँ और हम कहा उसको करते क्योंकि उसको याद नहीं करना पड़ता, लेकिन देखो ऐसे चल कर यहाँ तक आया तो एक दो थ्री तीन लाख पे आया, तो यह बराबर क्या है, नौ बटा पांच सी प्लस बत्तीस, यह याद करे रहा ला याद रहा सी लगाओ कर डायरेक्ट, वही कहा करती है आ जा, तो ये आपकी जगह क्या लिख दे, नौ बटा पांच सी जगह प्लस बत्तीस है बुलाओ कितना हो जाए, एक सौ बोला चार नौ बटा पांच एक्स माइनस एक्स, तो माइनस बत्तीस लघुत्तम पांच नौ एक्स माइनस, समझे राज जाए, माइनस बत्तीस नौ बस पांच गए डबल में बत्तीस पांच गुणा करेगा बत्तीस पांच चार सुहाग देगा चार चौ, अब भैया बताओ तो इतना विश्वास करते हैं, तो माइनस चालीस डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू माइनस चालीस डिग्री फारेनहाइट आता है, माने माइनस चालीस एक ऐसी वैल्यू है जिसका सेल्सियस और फारेनहाइट मान समान होता है, समझ में आया, टेक्निकल है। अगला देखो किस ताप पर फारेनहाइट का मान सेल्सियस का तीन गुना होगा, तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं किस ताप पर फारेनहाइट का मान सेल्सियस का तीन गुना, सी अगर x रहा है तो f कितना हो जाता है, यह तो सूत्र का है f बराबर नौ बटा पांच c प्लस बत्तीस, तो f की जगह नौ बटा पांच इंटू एक्स प्लस बत्तीस, एक बोला तीन एक्स माइनस नौ बटा पांच एक्स बराबर, करो दिक्कत कैलकुलेशन करा, पांच दी आई पंद्रह बनाओ हाँ। क्या दिक्कत बताओ, तो एक्स बराबर बत्तीस पंच भाग देखे अस्सी बटा तीन, तो अस्सी बटा तीन डिग्री सेल्सियस के बाद फारेनहाइट में तीन गुणा हो जाएगा, दो सौ चालीस बटा तीन हो जाएगा, ठीक है करो दिक्कत, समझ में आया, आ गया कि नहीं, पच पचवा देखो पचवा, छत्तीस डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन और रिक्टर में बदलो, ये तो एकदम सरल है, चलो केल्विन बराबर क्या होता है, छत्तीस डिग्री सेल्सियस का रिक्टर केल्विन में बदल रहे कितना आ जाएगा, छत्तीस नौ सत्ताईस तीन तीस, तो कोई दिक्कत, तो छत्तीस डिग्री सेल्सियस बराबर तीन सौ नौ केल्विन आ गया कि नहीं, आओ किसने बदलना है, रिवर वाला सूत्र बताओ, सी माइनस जीरो बटा सौ बराबर आर माइनस जीरो बटा, तो बीस पचास सौ बीस सी बटा पांच बराबर आर बटा सी जगह का लिख दी छत्तीस, छत्तीस बटा पांच बराबर आर बटा तिरछा गुणा कर दिया आर बराबर एक सौ चौवालीस बटा पांच, तो अट्ठाईस दशमलव आठ रिवर वाले छत्तीस डिग्री सेल्सियस बराबर अट्ठाईस दशमलव आठ डिग्री रिवर, कोई दिक्कत बेटा, समझ में आया बच्चों, क्लियर, तो इतना लगा लो बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान फरमाएंगे, 20 सेमी लंबाई की एक छड़ के ताप में 50 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि किए जाने पर इसकी लंबाई में दो सेमी की वृद्धि हो जाती है, रेखीय और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बताओ, तो बच्चों जो जो दिया है लिखते रहे हैं, ध्यान से देखिए और हमारे साथ लगाते रहिए क्योंकि आपको लेट हो रहा होगा, याद ध्यान दीजिए 20 सेमी लंबाई की छड़ माने यार बराबर क्या लिखते बच्चों, इसके ताप में 50 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, तो अर्कम ताप वृद्धि का मतलब होता है डेल्टा टी, कितना दिया है
तो इसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल चार से भी होती है। इसका रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बताना है। चले बच्चों ध्यान देना तुम भी। तो अब बेटा अल्फा का सूत्र क्या होता है मान सुधार डेल्टा एल अपान एल डेल्टा टी यही होता है। तो गौर से देखो डेल्टा एल चार एल की जगह 20 डेल्टा टी की जगह 50। गौर फरमाइएगा चार पंच 25 250 ठीक है। अब एक मिनट इधर देखा अगर अभी दशमलव लगाऊ ऊपर तो 10 हो जाए, जीरो बढ़ाओ तो 100, फिर जीरो बढ़ाओ तो क्या हो जाए 1000, 250 चौका 1000। नहीं समझे? दशमलव गए 10, जीरो बढ़ाए 100, फिर जीरो बढ़ाए 1000, 250 चौका प्रति डिग्री सेल्सियस, क्योंकि प्रसार गुणांक मात्रक जो है प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। तो अल्फा आ गया कि नहीं बच्चों? और क्या पूछ रहा है? बीटा भी। बीटा अल्फा का डबल होता है बताएं। बीटा बराबर क्या होता है? तो 2 × α = 2.004 गुणा करने पर 0.008 प्रति डिग्री सेल्सियस। सवाल सुचाचा समझ में आए? चला अगला सवाल देखा सातवा प्रश्न नंबर 7। एक वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक दिया है 3 × 10⁻¹। बच्चों आयतन प्रसार गुणांक कितना दिया है? 3 × 10⁻¹ प्रति डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट किसी को? क्या दिया है? आयतन प्रसार गुणांक 3 × 10⁻¹ प्रति डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? कह रहा है इसका रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक सब बताओ। देखो गामा बराबर क्या होता है बेटा? तो अल्फा बराबर क्या होगा अरमान? गामा बटे 3। गामा 3 × 10⁻¹ बटा 3 कर देंगे देवेश चाचा 1 × 10⁻¹ प्रति डिग्री सेल्सियस किसका मान आ जाएगा? अल्फा आ गया कि नहीं बच्चों? अब बीटा बराबर क्या होता है हमको बताओ? 2 अल्फा। तो 2 × 1 × 10⁻¹ हल करने पर क्या आ जाएगा बेटा? हिमांशु डांट पता लग गया किसकी वैल्यू? एनी डाउट? अल्फा बीटा गामा तीनों आ गया ना। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 8 लगा दे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। किसी वस्तु के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक दिया 3 × 10⁻¹⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। इसका अल्फा और गामा बताना है। तो दीपक के ढकेल क्या नाम है पटेल? यहाँ देखो जरा बीटा बराबर क्या होता है? 2 अल्फा नाडिया वाला। तो अल्फा बराबर बीटा बटे वैल्यू रखते बच्चों। देखो बीटा की जगह क्या लिखते? 3 × 10⁻¹⁴ बटे 2 आ जाएगा 1.5 × 10⁻¹⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। किसका मान आ गया ये? और किसका जानता है? गामा बराबर क्या होता है? तो 3 × 1.5 × 10⁻¹⁴ जोर से बोलो भाई। तो ये आ गया 4.5 × 10⁻¹⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं इसका का? आगे ध्यान दो। सवाल नंबर 9। किसी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक 2 × 10⁻¹⁴ क्या दिया हुआ है? रेखीय प्रसार गुणांक मतलब अल्फा दिया है 2 × 10⁻¹⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। बीटा बताना है और गबवा बताना है। तो बीटा बराबर क्या सूत्र होता है हमसे पूछो? 2 × α¹ बोलो। ऐसे नहीं, 4 × 10⁻¹⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? गामा बराबर 3 अल्फा। तो गामा बराबर 3 × α जगह अलवा तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? आ गया कि नहीं? फिर से बताए। आ गया सबको? अभी क्या पूछ रहा है जरा देखो। परम शून्य ताप क्या होता है? आज हम आपको परम शून्य ताप का दर्शन करा रहे हैं। गौर से देखो, जिस ताप पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए वही ताप परम शून्य ताप होता है। यही तो जानते हो? इसको निकालना है। देखो जरा, परम शून्य ताप हेतु
आयतन क्या हो जाना चाहिए, इसलिए बीटी बराबर क्या होता है जरूर बताओ आप लोग, अल्फा टी होता है कि नहीं, नहीं होता बीटी जगह ऑफॉल, इसको नीचे लाओ एक दम सर करो, टी बराबर माइनस एक बटा अल्फा, आप देखो माइनस एक बटा अल्फा बार बताया एक बटा 273 ऊपर का माइनस 273 डिग्री सेल्सियस ले परम शून्य ताप आएगा, ये वह ताप है जिस पर किसी भी गैस का आयतन और दाब शून्य होता है।